हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जब भी अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज आता है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज आने पर आपके फ़ोन में आवाज़ यहाँ पे नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है तो वहाँ पे उसका जो आवाज़ है वो आपको सुनाई ही नहीं देता है, पता भी नहीं चलता है कि आपके फ़ोन पर मैसेज आया हुआ है। तो इसको जो है सही करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन पर साउंड वगैरह को जो है चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में सही से साउंड यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको साइलेंट मोड, अगर आपके फ़ोन में जो साइलेंट मोड है वो अगर इनेबल रहेगा तो आपको इस तरीके से उसको डिसेबल कर देना है, ताकि दोस्तों हो सकता है कि साइलेंट मोड अगर आपने इनेबल कर दिया हो और जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेटिंग को फिर से ओपन करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन में आने के बाद मैनेज एप्लीकेशन पर जाइए, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको WhatsApp लिख के सर्च करना है। आप लोग यहाँ पे WhatsApp लिख के सर्च करिए इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे WhatsApp को ओपन करना है, और यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन पर जाइए और यहाँ पर आपको इसको इनेबल करना है। नोटिफिकेशन को इनेबल करने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।